सो गाइस यहाँ पर हम एक होटल पे रुके हैं, ढाबा है, होटल ही है। ब्रेकफास्ट करने के लिए थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि सुबह फ्रेश हो गए थे और मैंने वही की वही कपड़े पहने हैं क्योंकि सुबह से हमारी कार निकली है तो अब सांझ के पहुँचेंगे। तो नीचे जॉगर्स और पैंट, ऊपर टी शर्ट जो है वही ले लिया है, ठीक है। तो अभी मैं आपको ब्रेकफास्ट करके फिर आपको मिलता हूँ। सो गाइस यहाँ पर हमने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है और 10 बज गए हैं और यहाँ से अब निकलेंगे और मैं थोड़ी देर सो जाऊँगा। अभी सिर्फ 15 मिनट ही हुआ और यहाँ पर आ गए थे, यानी अब थोड़ी देर सो जाऊँगा, फिर उठूँगा वापस और फिर जो रोड आएगा वो देखने में मज़ा आएगा। मैं भी आपको टाइम लैप्स के द्वारा दिखाऊँगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा उस टाइम पर। तब तक के लिए बाय, मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर सो जाऊँ, चलो। सो गाइस हम अभी हिमाचल प्रदेश में एंटर करने वाले हैं। मेरे सामने हिमाचल गेट आ गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा सामने, ये हिमाचल गेट है और यहाँ पर सबकी कार का चेकिंग हो रहा है। तो एक बार कार का चेकिंग हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइस जब हम हिमाचल में एंटर हुए उसके थोड़ी देर बाद मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई थी। एक बार ही आई वॉमिटिंग, फिर मैं सो गया था और अब थोड़ी देर अभी उठा हूँ। 4 बजे है, खाना हमने थोड़ा चाय पी ली है इसलिए चुस्ती आ गई। अब तो मैं ठीक हो गया हूँ और अब यहाँ से मनाली 80 या 50 किलोमीटर ही बाकी है। हम कुल्लू या कासौल रोड पे आ गए हैं। थोड़ी देर हमने यहाँ पे चाय पी ली, अब चुस्ती आ गई शरीर में तो मज़ा आएगा और हम शायद से मनाली आज पहुँच जाएंगे लेकिन लेट पहुँचेंगे, 8, 7, 10 बजे, 9 ऐसे टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो अब मैं आपको मिलूंगा सीधे मनाली को क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा और बहुत रेस्ट किया है मुझे पता है, लेकिन अभी भी थोड़ी चुस्ती नहीं है। वो चुस्ती लाने के लिए रेस्ट करूँगा थोड़ी देर। तो मैं आपको मिलूंगा सीधे मनाली को, लेकिन अगर किसी बीच में मैं टाइम लैप्स भी लगा दूंगा अच्छे अच्छे शॉट्स, ठीक है। तो चलो तो गाइस यहाँ पर अभी हम मनाली के लिए निकल गए और यहाँ पर फुल्ली ट्रैफिक जैम हो गया है वहां तक और यहाँ पर इतनी फ्रेशनेस एयर है ना, सच कहूँ बहुत ठंड भी लग रही है लेकिन मजा आ रहा है। पूरी की पूरी ग्रीनरी है और ये बीच में एक रोड है गाइस, मजा ही आ गया सच कहूँ ना तो। अभी शायद से हम 1-2 घंटे में मनाली पहुंच जाएंगे, मेरी ड्रीम प्लेस हिमालय पे। शायद से कल ही स्नोफॉल हुई है तो बर्फ भी देखने जा रहे हैं ऑब्वियसली मनाली और कासोल, तो मजा भी आएगा। तो फटाक से अब चलना ही है। तो मैं अब आपको बीच में डायरेक्ट टाइम लैप्स ही डालूंगा मैं, ठीक है। तो चलो फटाक से। सो गाइस यहाँ पर हमारा ट्रैफिक जाम खत्म हो गया है और गाड़ियाँ चलने लगी है। उसमें क्या था 2 बसें बीच में अटक गई थी इसलिए ट्रैफिक जाम हो गया था। अभी खुल गया है, 2 बसें भी निकल गई है और हमारी गाड़ी भी अब निकल रही है धीरे धीरे। अब मैं आपको मिलूंगा सीधे मनाली को, बहुत थक गया है, चलो फटाक से मनाली में आपको मिलूंगा। सो गाइस यहाँ पर अब हम खाना खाने के लिए आ गए हैं, होटल ढाबा है आई लव कुल्लू, तो यहाँ पर अब बैठ जाते हैं फटाफट से। तो गाइस अब मैं आपको मिलता हूँ सीधा खाना। तो गाइस यहाँ पर हमने अब खाना खा लिया है और हम जिस रेस्टोरेंट पे रुके थे उसके पीछे ही एक नदी है जिसका नाम व्यास नदी है। दे रही यहाँ से जा रही है, आपको दिखाई नहीं दे रही क्योंकि अंधेरा है, लेकिन ये सब देखो, ये व्यू देखो। और वहाँ पे हमें मनाली जाना है वहाँ साइड, और ये रही व्यास नदी, ठीक है। तो अब मैं आपको मिलूंगा सीधे मनाली को क्योंकि अब तो थोड़ी देर, थोड़ी 40 किलोमीटर ही बचे है, तो अब आपको मिलूंगा मैं सीधे। सो गाइस अब हम अपनी होटल में पहुंच चुके हैं और अभी बज रहे 10, तो अब सोने ही जाएंगे, बहुत थक गए है। तो अब इस व्लॉग में बस इतना ही, इस व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। मैं अब आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।